भारत के लोकतंत्र में सच्चा लोकतंत्र तो कभी था भी नहीं, पर आज की तरह उसे खत्म करने की चाहतें भी नहीं उठती थी। आज जो बातें मैं यहाँ पर करूँगा, अगर उन बातों को आप पहले से ही किसी की तरफदारी करते हुए सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। किसी पत्रकार की भाषा में कहें तो राजनीति में कभी भी किसी का फैन मत बनिएगा, क्योंकि फैन शब्द राजनीति में गुंडा में परिवर्तित हो जाता है। आप उन्हें वोट दे देने के बाद उनसे सवाल कीजिए, ना कि उनके पार्टी का झंडा लेकर उनके मोहरे बनकर अपने वतन और भोले भाले बच्चों का भविष्य दांव पर लगाइए। हम यहाँ पर इतिहास की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास के नाम पर आपके अंदर जो नफरत और सांप्रदायिकता भर दी गई है उसे मिटाना आसान नहीं है। आप अपने पास नौकरी ना होने की समस्या, सरकारी अस्पतालों में इलाज ना होने की समस्या या राशन महंगा होने की समस्या को भूल जाएं, इसीलिए आपको बार बार अतीत के ऊपर गर्व करवाया जाता है। आप भूल जाएं कि प्रदूषण के कारण लाखों बच्चों को अस्थमा हो चला है। आप भूल जाएं कि सरकारी कॉलेजों में कुछ एक को छोड़कर शिक्षा का स्तर खत्म हो चला है। आप भूल जाएं कि विकास के नाम पर जंगलों को खत्म कर दिया जा रहा है। आप भूल जाएं कि दुनिया की 100 श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी नहीं है, जबकि 17% आबादी दुनिया भर में हमारी है। हम भूल जाएं कि 86% किसानों को MSP भी नहीं मिल पा रही है। आप भूल जाएं कि IITs, IIMs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में प्रोफेसर्स के 11,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं। आप भूल जाएं कि इलेक्ट्रोलर बॉन्ड से किसी एक पार्टी को इतना चंदा कौन दे जाता है। आप भूल जाएं कि सरकारी योजनाओं में बढ़ते करप्शन के कारण सरकारों ने हम पर अंधाधुंध कर्ज ला दिया है। इन्हीं सब बातों को भुलवाने के लिए आपका मुख्य धारा का मीडिया आप पर नफरत की बारिश करता है, आपको बार बार इतिहास की याद दिलाता है, आपको सांप्रदायिकता के रंग में रंगने की कोशिश करता है। ये वही देश है जिसकी रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें नंबर पर है। ये उसी देश का मीडिया है जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग और जनता के मुद्दों को खत्म कर दिया गया है। इसने बात करने की मर्यादा, अपने आकाओं की सेवा करने की मर्यादा और आपको और हमें अलग थलग करने की मर्यादा को लांघ दिया है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो जब हमारे मन में नफरत के जहर को नहीं भरा जाता है, जब हाई कोर्ट के जज को ही सही फैसला देने पर मार दिए जाने का डर सताने लगे, तो फिर हम पत्रकारों और आम जनता की क्या ही बात करें। पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि इतनी जमहूरियत तो बची ही हुई है कि मैं निष्पक्ष और बिना डरे सवाल कर सकूं। बात करते हैं भारत के महानगरों की, जो आक्रांताओं, युद्ध, लुटेरों और अंग्रेजों की मार झेलते हुए भी भारत की शान बनकर खड़े हुए हैं। इसमें वो दिल्ली भी आती है जिसमें कभी अलाउद्दीन खिलजी और नादिर शाह जैसे आक्रांताओं ने खुलेआम कत्ल के आदेश दिए थे। ये वही दिल्ली है जो दुनिया के सबसे गंदे शहरों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में कई बार अपना नाम रोशन कर चुकी है। ये हमारी वही प्यारी दिल्ली है जहां हमारे आपके लिए कानून बनाए जाते हैं, जहां से न्यूज़ चैनल्स नफरत का ब्रॉडकास्ट करते हैं और जहां से आपका और हमारा भविष्य तय किया जाता है। अनेक राजवंशों के शासन के कारण यहां हर प्रकार के लोग हैं। ये दिल्ली आज़ादी के स्वर्णिम पलों की साक्षी रही है। इसी दिल्ली ने बंटवारे से आए लाखों शरणार्थियों को खुद में समाहित कर लिया, जिनकी बसावटों को हम आज लाजपत नगर और राजेंद्र नगर जैसी जगहों से जानते हैं। इसी दिल्ली में 1984 में 3,000 सिखों की सड़कों पर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इन सब कृत्यों से चुटभैया नेताओं का वहशीपन और 100-100 रुपए के लिए लोगों को मार देने वाले मानव रूपी दरिंदों का चेहरा उजागर हो गया। तब राजीव गांधी ने इसे ये कहते हुए सही ठहरा दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। यह हमारे देश की राजनीति को शर्मसार कर देने वाला बयान था। हम आप सब भावनाओं में बह जाने वाले लोग हैं। हमें आक्रोशित करने के लिए ही 2002 में कार सेवकों की जली हुई लाशें अहमदाबाद की गलियों में घुमाई जाती हैं। ऐसे कृत्य राजनीति इसीलिए करती है ताकि हम एक दूसरे को ख़त्म कर देने की चाहत से हथियार उठा लें। बेशक राजनीति आज भी वही काम कर रही है, पर फर्क यह आया है कि अब हम बोलने से और सवाल करने से डरने लगे हैं। इन्हीं महानगरों में उन रहीशों की भी बस्तियां हैं जहां बिजली, पानी और न्याय बहुत जल्दी पहुंचता है। बस यहां से अतिक्रमण हटाने का आज तक किसी ने भी साहस नहीं किया।
पर इन्हीं महानगरों में एक ऐसी भी बसावट होती है जिसे हिकारत की नज़रों से देखा जाता है, जिन्हें हम अक्सर जाहिल, गवार या शहरों की शोभा बिगाड़ने वाले कहते हैं, और ये कहते हुए भूल जाते हैं कि हमारी नालियों के गंदे पानी में यही लोग गोता लगाते हैं, और यही वो जगहें हैं जहाँ कुछ संगठनों का धार्मिक कट्टरवाद और बहुलतावाद नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इन बस्तियों में हर कोई अपने पेट की ज्वाला को शांत करने में व्यस्त होता है। पर इन संगठनों ने हमारे कस्बों और गांवों के नौजवानों में सांप्रदायिकता का जो जहर भरा है वह हर बार झलकता है। आप असमंजस में ना रहें, इसीलिए कुछ एक के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि RSS, बजरंग दल और मुस्लिम लीग जैसे संगठन। मुझे नाम लेने में कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी इस लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा है। भले ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहें कि अपने घरों के चाकू की धार तेज कर लीजिए, पर मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसा करे। खुद भी सोचिए वो पल कितना भयावह होगा जब हर नागरिक अपने जेबों में चाकू रखकर बाजारों में घूमने लगेगा। सत्ता के गलियारों में चमक बहुत होती है, इसे चमकदार हमारी आशाएं बना देती हैं, और मुझे भी कुछ उम्मीदें हैं इन्हीं गलियारों से। पर मेरी सबसे पहली उम्मीद पूरी होनी बड़ी मुश्किल लग रही है, और वो ये है कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री एक ना एक दिन खुले मन से जनता के सवालों का सामना जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी एक दिन उन नालों के किनारे बसी हुई बस्तियों की भी यात्रा करेंगे, जहां बचपन गंदी गलियों में गुजरता है, जहां जवानी मजदूरी और नशे में गुजर जाती है, और जहां बुढ़ापा बीमारी और दुत्कार को झेलते हुए अपने बच्चों के अंधकार में जीवन को देखते हुए गुजर जाता है, जहां सूरज तो रोज उगता है पर बचपन अशिक्षा और भुखमरी में ही डूबा रह जाता है। मुझे उम्मीद है कि सरकारें हमें एक ना एक दिन यह ज़रूर बताएंगे कि हमें आपस में बांटकर उन्हें ऐसी कौन सी तसल्ली मिल जाती है जो वो चैन की नींद सो पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकारें शिक्षा संस्थानों को सुधारने और गुणवत्तापूर्ण बनाने का भरसक प्रयास करेंगी, ताकि हमारे नेताओं को अपने बच्चों को कोलंबिया, येल या स्टैनफोर्ड ना भेजना पड़े। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के वे 35 लाख बच्चे एक ना एक दिन स्कूलों के उन कमरों तक जरूर पहुंच पाएंगे, जहां उन्हें अपने जीवन को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियों को नाउम्मीदी के उस जीवन से ज़रूर निकाला जाएगा, जहां रोज़ वे सुबह अपने सिरों पर पानी से भरे बर्तनों का बोझ उठाती हैं और बाकी दिन ईंटों के भट्टे में, खदानों में या लोगों के घर काम वाली बाई बनकर अपने जीवन को एक कभी ना ख़त्म होने वाले अंधकार में ढकेल देती हैं। मुझे उम्मीद है कि जो 27% लोग आज भी हमारे देश में छुआछूत को मानते हैं, उनके घरों में से वे चिन्हित किए हुए बर्तन हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे, जिसमें कि अक्सर निचली जातियों के लोगों को पानी दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि धार्मिक कट्टरवाद को फैलाने वाले संगठनों में जो नए युवक शामिल हो रहे हैं, उन्हें नफरत का मोहरा ना बनाकर उनके माता पिता उन्हें मानव का मानव के प्रति प्रेम करना सिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन किताबों और बच्चों के दिलों में बसने वाला भारत का सपना जरूर साकार होगा, और छत्तीसगढ़ और झारखंड के उन बीहड़ों में भी पहुंच पाएगा जहां नक्सलवाद बच्चों को हथियार उठाते ही देखना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम गांवों और कस्बों में पसरे जातिगत भेदभाव को भुला देंगे, जहां आज भी अलग अलग जातियों के अलग शमशान होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम भारत के लोग एक ऐसे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे, जहां शादियां जाति और धर्म के आधार पर नहीं की जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारा समाज हमारे लोगों को प्रेम करने की आज़ादी प्रदान करेगा, जहां हर एक प्यार लव जिहाद जैसे बेहुदे शब्दों से प्रकट नहीं किया जाएगा, और इसके द्वारा किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ नफरत को हवा नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम उसी समाज में रह रहे हैं जहां बेटियां प्रेम करने के कारण अपने पिता के द्वारा मार दी जाती हैं, जहां प्रेमियों की हत्या केवल इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने ना बोलने का भी साहस किया होता है। मुझे उम्मीद है कि किसी के कपड़ों या धर्म को देखकर हम उसे आतंकवादी घोषित करने की जरूरत नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोबारा कभी भी किसी वर्ग की बात सुनने के लिए एक वर्ष तक उन्हें सड़कों पर नहीं बैठाया जाएगा। मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश का नौजवान जाति और धर्म के आधार पर बने सभी संगठनों का प्रभाव खत्म कर देगा, जो हमें सत्ताधीशों के सामने छिन्न भिन्न कर देते हैं।
मुझे उम्मीद है कि हम मानेंगे कि हम उन लाखों महिलाओं को शिक्षित करने में असफल रहे जिन्हें अपने बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी जिस्म का सौदा करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि हम एक ना एक दिन अपने शिक्षा तंत्र को इतना बेहतर कर लेंगे कि वहां जाकर लोग खुद को उम्मीदों और अवसरों के समंदर में पा सकें, ना कि नाउम्मीदी के गहरे रसातल में। मुझे उम्मीद है कि मुसोलिनी, स्टालिन या हिटलर जैसे तानाशाहों को सही मानने वाले लोग एक ना एक दिन लिंकन, गांधी और मंडेला को भी पढ़ेंगे और इस बात को समझ जाएंगे कि हथियारों और सत्ता के बलबूते पर आप अपने गलत में भी किसी को हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के लोग एक ना एक दिन ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आपका ध्यान भटकाने के लिए ही हिजाब और लव जिहाद जैसे मुद्दों को हवा दी जाती है, ताकि आप कभी भी बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा की बात ना करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में कभी भी गोली मारने, चौराहे पर फांसी पर टांग देने और सर तन से जुदा कर देने की चाहतें नहीं उठेंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की जनता उन देशों की बर्बादी से भी सीख लेगी जहां धर्म के नाम पे तानाशाही से हर गलत चीज़ को सही ठहराया गया। मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार जैसे देशों की बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश का हर नागरिक हर किसी दूसरे के अधिकारों के लिए बोलना सीखेगा और एक के साथ खड़ा रहेगा, ताकि एक ना एक दिन हम एक दूसरे से कह सकें कि हमने तुम्हारे अच्छे दिनों में भी तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि हम उन सभी पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और RTI एक्टिविस्ट के लिए साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। बहुत कोशिशें होंगी बुझाने की, मगर वे दिए जगमगाते ही रहेंगे। आज भी जब किसी आयोजन में राष्ट्रगान के समय खड़े उन तमाम लोगों को देखता हूँ, जब हर कोई अपने धर्म और एक दूसरे के प्रति भर दी गई नफरत को भूल जाता है, जब हर कोई ऊंच नीच का भेदभाव भूल जाता है, जब फटे कपड़े पहने हुए मजदूर और सूट में नेता एक से लगने लगते हैं, जब हर कोई एक गर्व के एहसास को महसूस करता है तो बड़ा सुकून मिलता है और एक पल को तो दिमाग असमंजस में पड़ जाता है कि सचमुच ये वही लोग हैं जो किसी की गाय के नाम पे हत्या कर देते हैं। क्या ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को ख़त्म कर देने और अपने पैरों तले कमज़ोरों को कुचल देने की चाहत से हथियार लेकर दंगाई बन जाते हैं? क्या सचमुच ये वही लोग हैं जो इतिहास बदलने के नाम पर पूजा स्थलों को तोड़ने निकल पड़ते हैं? पर फिर दिल कहता है कि ये वो लोग भी हैं जिन्हें सुबह की पूजा और शाम की नमाज दोनों मंजूर होती है, और मन को खुशी मिलती है कि कम से कम ये तिरंगा तो है ही जो हर एक अपने को अपनी माटी में अपनापन का एहसास करवाता है। और अंत में एक पत्रकार की भाषा में कहूँ तो, मरना सिर्फ शमशान या कब्रिस्तान में जला देना या दफना देना नहीं है, मरना वो डर भी है जो आपको बोलने से, लिखने से, कहने से और सुनने से डराता है। जिस दिन पूजा स्थलों की तरफ जाने वाली लंबी कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन हमारे देश को महान बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।